बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती। जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई समझौतों पर करेंगे हस्ताक्षर। रूस के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा सकते हैं पीएम, पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने संसद में स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की, कहा देश संविधान से चलेगा, राजा के डंडे से नहीं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दिया जवाब, शहजाद पूनावाला ने कहा समाजवादी पार्टी ने पहले रामचरितमानस पर हमला किया था, अब सेंगोल पर कर रहे हैं। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को फिर से बनाया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन, चुनाव के दौरान भारत की विविधता पर दिया था विवादित बयान। सैम पित्रोदा को दोबारा जिम्मेदारी सौंपने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार सिखों को अपना दुश्मन मानता था और आज भी मानता है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा की वापसी पर कांग्रेस पर साधा निशाना, अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कांग्रेस ने धोखा दिया, चुनाव के तुरंत बाद सैम पित्रोदा को वापस लाए। गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, नड्डा मनोहर लाल हरियाणा सीएम नायब सिंह रहे शामिल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा, केजरीवाल की जमानत पर पहले ही स्टे लगा चुकी हाईकोर्ट। केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा कसने पर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, आरके चौधरी ने कहा सरकार विपक्षी नेताओं को बेइज्जत करने पर तुली है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कार्यक्रम में गई बिजली, कई मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे डिप्टी सीएम। 18वीं लोकसभा में आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे अभिभाषण, कई नई सरकार का रोडमैप पेश करेंगी राष्ट्रपति। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है। राहुल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद जनता की आवाज बनकर जनता के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया के नेपाल में छिपे होने की खबर, बुधवार को सीबीआई ने हजारीबाग में 11 लोगों से पूछताछ की। हजारीबाग के ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को अपने साथ ले गई सीबीआई, प्रिंसिपल से करीब 20 घंटे की पूछताछ। नीट पेपर लीक में महाराष्ट्र के लातूर के 9 छात्रों के पास मिला पटना का एडमिट कार्ड, सीबीआई सवालों के जवाब तलाशने में जुटी। नीट पेपर लीक केस में आरोपी चिंटू और मुकेश को कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा, चिंटू को बताया गया है मामले का मास्टरमाइंड। बिहार पर टूटा आसमानी बिजली का कहर, पिछले 24 घंटों में आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, सरकार ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश के दौरान रील बना रही एक लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई बिजली गिरने की घटना, बाल बाल बची जान। उन्नाव में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, थाने जाकर किया सरेंडर, पत्नी को मारने का जुर्म कबूल किया। पाकुड़ में 2 लड़कियों के गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अमरापाड़ा इलाके में नदी किनारे 12 लड़कों पर 2 लड़कियों के गैंगरेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नकली नोट बनाने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों के पास से 77,500 रुपए के 5-5 सौ वाले नकली नोट बरामद किए। छत्तीसगढ़ के गोरेला में सरेआम हमलावर ने एक लड़की की चाकू गोदकर की हत्या, सामने आया वारदात का वीडियो। सुपरस्टार दर्शन की महिला मित्र पवित्रा गौड़ा को मेकअप की इजाजत देने पर एसआई को नोटिस, मर्डर केस में गिरफ्तार हैं दोनों आरोपी। जयपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत के बाद परिवार वालों ने किया हंगामा, पुलिस पर लगाया हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप। महाराष्ट्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन, उत्पादन शुल्क विभाग ने थाने में 400 ड्रम शराब और 6 भट्टियां ध्वस्त की। उत्तर प्रदेश के महोबा में एचडीएफसी बैंक मैनेजर की काम करते समय हार्ट अटैक आने से हुई मौत, सामने आया 19 जून का सीसीटीवी वीडियो। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना, आरकेपुरम मुनिरका और तुकाराम मार्ग इलाके में हो रही अच्छी बारिश। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे इलाके में झमाझम बारिश हुई, कई जगह जमा हुआ पानी। राजस्थान के ढोलपुर में हुई भारी बारिश, कई जगहों पर जमा हुआ पानी। सीहोर में बारिश नहीं होने से लोग परेशान, महिलाओं ने इंद्रदेव को मनाने के लिए खेत में चलाया हल। झारखंड के जामताड़ा में कबाड़ के गोदाम में अचानक लगी आग, 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नाथपा जंगलों में लगी आग, आग पर काबू पाने में जुटा वन विभाग। नेपाल में भारी बारिश का कहर, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 14 लोगों की मौत, कई इलाकों में हालात बदतर। दक्षिण पश्चिम स्विट्जरलैंड में अचानक आए तूफान से मची तबाही, सड़क से लेकर घर और दुकानों में भरा पानी, बारिश ने भी तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। अमेरिका के ओरेगन के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है, अधिकारियों ने सैकड़ों घरों को खाली करने की अपील की है। ओरेगन के जंगलों में 4 वर्ग मील तक फैल चुकी है आग, जंगलों के ऊपर छाया धुएं का बहुत बड़ा गुबार।
पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया झटका, पाक चुनावों की जांच के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पारित किया प्रस्ताव। पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को हमारे चुनाव की पूरी जानकारी नहीं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ 85% वोट हुए, पाकिस्तानी हुकूमत पर जनादेश को नियंत्रित करने की कोशिश का आरोप। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन समेत कर्ज देने वाले देशों के साथ ऋण समझौतों को सार्वजनिक किया, कहा 2043 तक सभी द्विपक्षीय कर्ज भुगतान करने में सक्षम होगा श्रीलंका। तालिबान ने अफगानिस्तान में नया फरमान जारी किया, शादी समारोह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट, किम जोंग उन ने मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। रूस में ट्रेन हादसा, 9 बोगियां पटरी से हुई डीरेल, हादसे में 70 लोगों के घायल होने की खबर। बोलिविया में तख्ता पलट की कोशिशों के बीच सामने आई विद्रोह की चौंकाने वाली तस्वीरें, राष्ट्रपति आवास को सैन्य वाहन से तोड़ने की कोशिश। बोलिविया में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम, राष्ट्रपति ने नए आर्मी कमांडर को नियुक्त किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा रूस पर मंडराते खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत, सेना और नौसेना को पहले से प्लान करने की जरूरत है। अमेरिका में बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, सेना द्वारा समलैंगिक मामलों में दोषी ठहराए गए दिग्गजों को दी जाएगी माफी। मध्य अमेरिका के देश होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति को 45 साल की सजा, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के आरोप में जेल भेजे गए राष्ट्रपति।